quick for the left hander. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ख्वाजा शायान और क्रिकेट स्पेशल विद एहतशामुल हक के स्पेशल पीएसएल एडिशन नंबर 3 के शो में आप सबको वेलकम करता हूं। नाज़रीन, आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें से सबसे पहला जो आज एक मैच होने जा रहा है, पेशावर ज़ालमी वर्सेस मुल्तान सुल्तान, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड देन हम लोग मूव करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स के मैच की तरफ जो प्रीवियसली हुआ है, और कुछ प्लेयर्स हैं जो अनफिट हो रहे हैं, अनफिट होने की उनकी खबर आ रही है, उनके हवाले से उनको डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब, एज़ यू ऑल नो। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। पेशावर ज़ालमी वर्सेस मुल्तान सुल्तान आज मैच होने जा रहा है, क्या प्रेडिक्शन है सर, क्या लगता है आपको कि कौन जीतेगा और किस तरह की परफॉर्मेंस होगी? शायान, अब जो पीएसएल के मैचेस होंगे ये सारे मैचेस एक तरह से डू और डाई वाले मैचेस हैं। नो डाउट सर, क्योंकि हर टीम की ये ख्वाहिश होगी, उसके जहन में ये बात होगी कि उसने ये मैच जीतना है ताकि टॉप की जो चार टीम्स हैं उसमें उसका नाम आ सके। ठीक, क्योंकि अब जो मैचेस होंगे 16 मार्च तक ये मैचेस हैं, ये जो सेकंड राउंड अब शुरू हुआ है, आज जो नया राउंड शुरू होगा, इसमें दो टीमें निकल जाएंगी इस इवेंट से बाहर 16 मार्च के बाद। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि पश्तों में कहते हैं गलती गुंजाइश निश्ता, जिसने गलती की वो टीम मैच हारेगी। सही। अगर आपने बात की है पेशावर ज़ालमी वर्सेस मुल्तान सुल्तान की, तो दोनों टीमें बड़ी बैलेंस्ड हैं। ठीक, हम पल हैं। जो पेशावर ज़ालमी को सेटबैक है कि तमीम इकबाल बांग्लादेश की टीम को ज्वाइन कर चुका है, वो पेशावर ज़ालमी की टीम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, डैरन सैमी अनफिट हो गए थे, बड़ा ज़बरदस्त उसने एक मैच खेला था, अनफिट हो गया था, जख्मी हालत में उसने पेशावर ज़ालमी की टीम को वो मैच जितवा दिया था, जब 4 गेंदों पर उसने 16 रन बनाए थे, चौकों और छक्कों की जरूरत थी वो उसने लगा दिए थे। अब देखना यह है कि डैरन सैमी की जो फिटनेस है उसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई इतला नहीं है कि वो फुली फिट है या नहीं, वो खेलेगा या नहीं खेलेगा, क्योंकि जो लास्ट मैच हुआ है डैरन सैमी की एब्सेंस में हफीज ने कप्तानी की थी, हफीज ने बहुत अच्छी कप्तानी की, रिस्पॉन्सिबल कप्तानी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसने टीम को लीड किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी आज देखना होगा कि तमीम इकबाल नहीं है, वो ओपन करता था पेशावर की जानिब से, वो मुस्तनद ओपनर है पेशावर ज़ालमी का भी और बांग्लादेश की टीम का भी, वो नहीं है, उसकी एब्सेंस में कामरान अकमल के साथ ओपन कौन करेगा, ये भी एक देखिए ना, एक पेयर बन जाता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब तमीम नहीं है, लेकिन देखना यह कि अब कौन ओपन करेगा कामरान के साथ, और फिर इनका जो बैटिंग की अगर आप बात करें, ड्वाइन स्मिथ है ट्रिमेंडस फॉर्म में, बड़ी अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, ड्वाइन स्मिथ, और एक अच्छी बात यह है कि हसन अली की अब टीम में वापसी हो गई है, वो भी अनफिट था, वो भी पूरी तरह फिट नहीं था, लेकिन अब वो वापस आ गया है, जो एक मैच में उसने 3 विकेटें ली, बड़ी जबरदस्त उसने बॉलिंग की, और स्पेशली जो कलंदर का कप्तान है मकलम, उसको जब उसने आउट किया तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, और लाहौर कलंदर की टीम वो मैच भी हार गई थी। हाँ, एक चीज है कि वहाब रियाज की बॉलिंग से मैं बड़ा इंप्रेस हूँ इस इवेंट में, मैं हमेशा उसको क्रिटिसाइज करता था, वो नो बॉल करता है, वाइड्स बॉल करता है, लेकिन इस इवेंट में उसने बहुत कंट्रोल्ड बॉलिंग की है, बड़ी टाइट लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की, और इवन डेथ ओवर्स में वो आता है और फिर वो यॉर्कर लेंथ पर गेंद करता है या विकेट लेने की वो कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब भी हुआ। हाँ, एक चीज उसकी जो है उसको मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, उसने जो अपनी मूछें जो है वो थोड़ी बड़ी यहाँ तक रखी हैं, जब वो आउट करता है ना किसी को तो अपनी मूछों पे फिर ऐसे हाथ फेरता है, सर कोई ना कोई तो वो टीएम करना ना, हाँ, ट्रेडमार्क करना है, ट्रेडमार्क वो अब मिचेल जॉनसन को कर रहा है कॉपी या मार्व ह्यूज को कर रहा है, ये तो उसको ही मालूम होगा, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मतलब ये हो सकता है इस तरह की मुस्टैश रखना होगा, एक लकी सिंबल हो कि मैं इस तरह करके अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, वो मिचेल जॉनसन को कोशिश कर रहा है कॉपी करने की माव व्यूज को, लेकिन बॉलिंग अच्छी कर रहा है वहाब रियाज। समीन गुल एक नया बॉलर आया, उसने पहले मैच में बड़ी इंप्रेसिव बॉलिंग की थी, असगर ने हमेशा अच्छी बॉलिंग की, एक मैच में वो एक्सपेंसिव रहा था। डॉसन को शामिल किया गया था लेफ्ट आर्म स्पिनर को सैमी की जगह, ठीक, और डॉसन मैन ऑफ द मैच बन गया, पहला मैच खेला, जबरदस्त बॉलिंग,
जबरदस्त विकटें और वो मैन ऑफ द मैच बन गया। डॉसन 3 विकटें उसने हासिल की, देन क्रिस जॉर्डन है और फिर एक इब्तिसाम शेख भी है जो रिस्ट स्पिनर है, वो भी एक यंग प्लेयर है। तो जो बैटिंग लाइनअप है और बॉलिंग लाइनअप है, बज़ाहिर पिशावर जलमी की भी बैलेंस्ड है, लेकिन देखना यह है कि तमीम इकबाल की जगह कौन सा प्लेयर आता है, ठीक, और डेरन सैमी क्या पूरी तरह फिट है या नहीं। अगर डेरन सैमी अनफिट है तो इसका बहुत बड़ा लॉस होगा पिशावर जलमी की टीम को। वो कप्तानी भी अच्छी करता है, वो बॉलिंग भी कर लेता है, फील्डिंग भी कर लेता है, वो बैटिंग भी कर लेता है, और जब टीम को चौकों छक्कों की जरूरत होती है तो वो ये चौके छक्के लगा देता है। आपने जो बात की थी मुल्तान सुल्तान के हवाले से, आपने उसकी शर्ट भी पहनी हुई है, मुल्तान सुल्तान की बैटिंग दो प्लेयर्स के इर्द गिर्द घूमती है, एक शोएब मलिक एक संगाकारा। सही, संगाकारा ने जो मैचेस खेले हैं वो अपनी विकेट देता ही नहीं है, एक मैच में गालबन वो आउट हुआ है या दो में आउट हुआ है, वो 50 प्लस रन्स करता है, फिनिश करता है, सिंगल्स डबल्स चौका छक्का सब वो लगाता है, इसका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा होता है, वो अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा है इस लीग में, वो संगाकारा नंबर वन पर है, शोएब मलिक है और देन रवि बोपारा है। ये अपने ब्रेन का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर, शोएब मलिक ने भी बहुत इंप्रूव किया है बैटिंग में, उसकी शॉट पिछले प्रोग्राम में तस्करा भी गया था कि जैसे जैसे वो एज के साथ बड़ा हो रहा है उससे क्रिकेट भी मैच्योर होती जा रही है। शॉट सिलेक्शन, शॉट सिलेक्शन बड़ी जबरदस्त है शोएब मलिक की, वो अपनी विकेट नहीं देता। जो मुल्तान सुल्तान की टीम का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसके जो बॉलर्स हैं जुनेद खान, इमरान ताहिर, जिन्होंने दोनों ने बिल तरतीब इस लीग में हैट्रिक की है, इत्तेफाक की बात है कि दोनों का ताल्लुक मुल्तान सुल्तान से, और देन सोहेल तनवीर और मोहम्मद इरफान, ये तो इनके चार की बॉलर हैं, ठीक है। पांचवा बॉलर शॉर्ट है मुल्तान सुल्तान की टीम, वहां पर आके मुल्तान की टीम थोड़ा सा फंस जाती है, वहां पर फिर शोएब मलिक कभी ओवर करता है, कभी कैरन पोलार्ड करता है, ये थोड़ा सा मामला जो है ना, ये कभी आर पार भी हो सकता है, क्योंकि ये मतलब इसको वीक पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है, थोड़ा सा वीक पॉइंट ये कंसीडर। देखो ना, शोएब मलिक तो एक जमाने में बड़ी जबरदस्त ऑपरेट करता था, T20 का जो फॉर्मेट है उसमें एक ओवर भी मायने रखता है, अगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाए। देखो ना, एक ओवर में 20-24 रन बन गए, जिस तरह हेस्टिंग्स ने 24 रन पहले ओवर में दिए, फिर 18 रन दिए दूसरे मैच में, वो बेचारा अजीब उसकी साइकी मुझे लग रही है कि जो मैच वो खेलता है पहला ओवर वो एक्सपेंसिव करता है, उसके बाद वो कमबैक कर लेता है। तो लेकिन ये एक थोड़ा सा वीक लिंक मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन बैटिंग में मुल्तान सुल्तान की टीम टोटली दो प्लेयर्स पर डिपेंड करती है, संगाकारा और शोएब मलिक। कैरन पोलार्ड भी क्लिक कर जाता है, बहुत एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है और इनको भी लीग्स खेलने का बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत शौक भी है। हाँ, एक बात है कि अहमद शहजाद है, उसने अभी तक बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, शोएब मकसूद है वो बिल्कुल ऑफ कलर सा दिखाई दे रहा है, एक मैच में 20 प्लस रन्स बनाए थे, डजंट मैटर, वो इतनी इंप्रेसिव बैटिंग नहीं थी। तो ये है, फिर डेरन ब्रावो है, तो बैटिंग में सोली वो दो प्लेयर्स पर डिपेंड करें। एक मैच में जो ये जो संगाकारा ये जल्दी आउट हो गया था, अच्छा वो मैच मुल्तान सुल्तान की टीम हार गई थी, तो वंस अगेन ये बातें मेरी जहन में रखिएगा कि संगाकारा और शोएब मलिक और जो फर्स्ट सिक्स ओवर्स हैं और डेथ ओवर्स हैं, ये दोनों टीम्स के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि शोएब मलिक और संगाकारा की, तो आपने जैसे बताया शोएब मलिक की बात करूंगा क्योंकि अगर इन दोनों का पेयर भी टूट जाता है, लेकिन ठीक है कोई ना कोई उसको वो हैंड उसको आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, लेकिन शोएब मलिक और संगाकारा खुदा ना खास्ता अगर आज ना चले मुल्तान सुल्तान के लिए, तो व्हाट डू यू थिंक पेशावर जलमी क्या करेगी? ये टीम जीत जाएगी, फिर इसके चांसेस जीतने के बहुत ब्राइट हैं। अच्छा, अगर संगाकारा शोएब मलिक नहीं चलते, मतलब मैं ये कहता हूँ कि दोनों ने अगर 10-10, 15-15 रन भी बनाए, अच्छा, इवन देन वो नहीं जीतेंगे। फिर जो बकिया, बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन दोनों के, बहुत भारी, और संगाकारा बहुत मिच्योर इनिंग्स खेल रहा है, टू बी ऑनेस्ट शायान, बहुत वो जो माजी का जब ग्रेट बैट्समैन था ना संगाकारा, जयवर्धना, जब दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट होती थी वो इंटेंसिटी की क्रिकेट, वो और उसकी झलक अब भी हम देख सकते हैं संगाकारा की बैटिंग में। सबसे बड़ी बात, वो अपने ब्रेन का बड़ा यूज करता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो बैटिंग करता है, ये नहीं कि आए हर गेंद पर चौका लगाया, हर गेंद पर छक्का लगाया। क्रिकेट में सिंगल भी है, डबल भी है, रनिंग बिटवीन द विकेट भी है, ये सारी चीजें हैं। तो ये दो बैट्समैन है और देखते हैं कि अब आज का मैच कैसा होगा, लेकिन मैच बड़ा जबरदस्त होगा, ये मैं ऑनेस्टली हाइप वाला बहुत जबरदस्त मैच होगा। अब सबकी नजरें
टॉप फोर पर लगी हुई कि हमने जो टॉप की चार टीम्स हैं उसमें पहुंचना है। हाँ, जो नंबर वन की टीम होगी पॉइंट्स के लिहाज से, जो नंबर टू की टीम्स होंगी उनको थोड़ा एडवांटेज भी होगा, वो हम किसी और प्रोग्राम में मैं उसको वजाहत कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन सबसे पहला टारगेट या हदफ इन छह टीम्स के सामने जो है कि हमने टॉप की चार टीम्स में आना है। एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या एहतिशाम भाई लाहौर कलंदर्स की टीम इस पीएसएल के एडिशन में एक मैच भी जीत पाएगी? मिलियन डॉलर क्वेश्चन, मिलियन। जैसे वो एक्सप्लोसिव स्टार्ट लेते हैं, 10 ओवर में 100 रन, 8 ओवर में 80 रन, 84 रन, और फिर उसके बाद 4 रन पे 7 आउट और 13 रन पे 5 आउट, टीम पूरी के पूरी कोलैप्स कर जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इज देयर एनी, मतलब क्या लाहौर कलंदर का ऐसा क्या है सर, बदकिस्मती कहें या कोई वाकई वो बैड बैड रेपिटेटिव कोई गलती कर रहे हैं? जो जो उनकी सोच और अप्रोच, देखो मेरी बात याद रखना, क्रिकेट एक साइंस है। यस, ख्वाह वो 2020 है, 50 ओवर है, टेस्ट मैच है, आपको अपना ब्रेन प्रॉपरली यूज करना है। वहां पर ब्रेंडन मैकलम की यह सोच है कि हर गेंद को चौका छक्का लगाना है। अच्छा, ठीक। अब थोड़ा सा दो जो लास्ट मैचेस है उसमें थोड़ा वो रुका है, फंसा है, दैट्स वाई वो मैचेस क्लोज हुए ना, वरना वो मैचेस ही वन साइडेड हो रहे थे। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, ये वंस इन अ ब्लू मून होता है कि छह गेंदों पर छह छक्के लग गए, ये कब रेगुलरली नहीं होता, ये कभी कभार होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी सोच अप्रोच जो है ना उसके मुताबिक वो जो खेल रहे हैं ये रिजल्ट निकला। लेकिन 10 ओवर्स में जब आपने 80 रन कर लिए, 90 रन कर लिए, 100 रन कर लिए, तो फिर आप रुक जाएं, फिर मिडल में आके थोड़ा सा रुकें, सिंगल्स डबल लूज बॉल तो मिलनी है, उस पर चौका लगाएं, छक्का लगाएं, फिर डेथ ओवर्स आते हैं, की होता है विकेट्स इन हैंड, आपके हाथ में विकेट हैं और आपके दो तीन जो पावर हिटर्स हैं, जो पिंच हिटर्स हैं वो मौजूद हैं, तो वो आखिरी 5 ओवर्स में जो है वो 50 रन तो बना सकते हैं, तो आपका स्कोर कहीं से कहीं चला जाएगा। तो लाहौर कलंदर्स का तो ऐसे लगता है कि जब वो स्टार्ट देते हैं कि ये 200 से ज्यादा रन बना लेंगे, लेकिन इनमें आके वो उसके बाद वो क्लॉप हो जाते हैं। ठीक, फिर भी हम गुड लक कहेंगे दोनों टीम्स को, पेशावर सलमी और मुल्तान सुल्तान को, कि वो अच्छा खेलें, अच्छा मैच, अच्छा हो, मैच अच्छा हो इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमें यहां पे लेना है छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, टेक अ ब्रेक। इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री पीआईडी के करप्ट अफसरान के तावन से ये सारा धंधा जारी रहता है जी। ये जो धंधा है ना, ये मुकमुका का धंधा है कि पनामा के मामले में आर्मी ने जो है उनकी फेवर भी नहीं की और मुखालफत भी नहीं की। गिरफ्तार किया जाए, ये प्रोटोकॉल किस्म का साहब है, ये नहीं होना चाहिए। गुरु तो दंदनाते फिरते हैं, गुरुओं पर तो आपने अभी तक हाथ नहीं डाला। क्यों निकाला, क्यों निकाला, उसका जवाब उन्हें इस साहब कोर्ट से मिलेगा। पहले था एक जरदारी सब पे भारी, हुण के सारे नाल यारी, वो ईंटों से ईंटें जो उसने बजाई थी तो अब जोड़ दी उसने। मियां साहब एंड फैमिली का जवाल शुरू हो गया, ये अल्लाह की पकड़ में आ गए हैं। आपने भी अपनी कब्र में जाना है? ये अपनी अपनी कब्र में जाना है। हाँ, ये तो नहीं था ना पता कि टमाटर काला कल्लू हो जाएगा, अजीब शेर है, सब्जी भी खा जाता है। वो जो एक चेहरा है ना, जो सियासतदानों का एक, मैं तो उसको मकरू चेहरा जरूर कहूंगा, कि यूथ हमारी बड़ी जज्बाती, ओए मैं मार दवांगा, ओए मैं कर दवांगा, कर कुछ नहीं के खुदा के लिए ना करदा गुनाहों की सजा में मुजरम ना बने। उनको अवाम ने इंतखाब किया है तो वो अवाम के लिए कुछ करें। वेलकम बैक व्यूअर्स, बात हो रही है पीएसएल के हवाले से, एडिशन 3 के हवाले से बात हो रही है। सर, जो अभी कुछ दिन पहले मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स, क्या कहेंगे सर इस मैच के बारे? देखिए, कराची किंग्स की टीम तो मैच ही नहीं हार रही थी, तो पहली शिकस्त उन्हें हुई है, तो शिकस्त का मजा भी चखे ना, उसका मजा कैसा होता है। और शिकस्त के बाद जो जीत होती है ना, उसका मजा ज्यादा, उसका मजा। तो वो फिर हराया भी उसको उस टीम ने जिसको कोई इतना इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा था, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड, आपके जहन में भी मेरी बातें होंगी, महफूज रहती, मैंने कहा था बैटिंग ऑर्डर चेंज करें, और उन्होंने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, उन्होंने रॉन्की के साथ डुमरी को भेजा। 104 रन की पार्टनरशिप बनाई इन दोनों ने, जब 104 रन की पार्टनरशिप और रॉन्की ने क्या धोया बॉलर्स को, क्या बात,
क्या जबरदस्त उसने बैटिंग की, 37 गेंदों पर 71 रन, 190 से जायद उसका स्ट्राइक रेट था और उसने आमिर और शिनवारी किसी को खातिर में नहीं लाया, ऐसे ट्रीट करता जैसे क्लब के बच्चे खेल रहे हैं, चौके छक्के लगाए और मैच उसने जितवा दिया और प्लेयर ऑफ द मैच ठहरा। जो सेंसिबल बात की, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डुमनी को प्रमोट किया, डुमनी 43 रन, 43 रन नॉट आउट, उसने विकेट नहीं दी, एक जो था वो स्ट्रोक खेल रहा था, एग्रेसिव बैटिंग कर रहा था, अटैकिंग बैटिंग कर रहा था, और दूसरा सिंगल्स डबल, स्ट्राइक को रोटेट कर रहा था, डोमिनेट मैच के मोमेंटम को मोमेंट। दूसरा, जब दो बैट्समैन सेट हो जाएं तो उसमें से एक जो है ना, अगर वो आउट भी हो जाए तो दूसरे की कोशिश होनी चाहिए कि मैं फिनिश करके जाऊं, क्योंकि जो बकिया खिलाड़ी आएंगे उन्हें तो सेट होने में टाइम लगेगा ना, तो 20-20 ओवर का मैच है, इसमें इतना टाइम होता नहीं है। तो मैं समझता हूं क्रेडिट गोज टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, और इन्होंने 18वें ओवर में टारगेट अचीव कर लिया ना, ये बहुत बड़ी बात है। अब कराची किंग्स ने 153 रन बनाए 20 ओवर्स में, खुर्रम ने और बाबर आजम ने अपनी अपनी निस सेंचुरी बनाई, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा नहीं था, 100 प्लस था, 102, 104 या 105 ऐसे उनका स्ट्राइक रेट था। ये इस फॉर्मेट में जब तक किसी एक बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 150 से तजावुज नहीं करेगा, उस टीम का अच्छा स्कोर नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कराची किंग्स ने इन माई ओपिनियन 25-30 रन कम बनाए थे, ठीक है, उसका फायदा इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को और उनके बॉलर्स को मैं क्रेडिट दूंगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि फहीम अशरफ में बहुत टैलेंट मौजूद है कि वो ऑलराउंडर बन सकता है। फहीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उसने 3 आउट किए, उसको बैटिंग ऑर्डर में भी प्रमोट करना चाहिए। उस दिन मुझे खुशी हुई कि मिसबा ने जो है हुसैन तल्लत को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया। हुसैन तल्लत है, रसल है, फहीम अशरफ है, इन्हें बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करे। मिसबा कप्तानी खुद करे, बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहा है मिसबा, लेकिन बैटिंग में इनको वो प्रमोट करे, इनसे वो रन करवाए। इसमें एक दो बैट्समैनों को ये समझा दें कि अगर दूसरे एंड से विकेटें गिर रही है तो आपने सिंगल्स डबल पर इनिसार करना है, आपने नॉट आउट आना है, आपने फिनिश करके नॉट आउट आना है, आपने विकेट अपनी गिफ्ट नहीं करनी। अगर ये चीजें समझा दी जाए तो ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, ये सबके सब समझ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की, बैट्समैनों ने भी बहुत उम्दा बैटिंग की, और वर्सेस कराची किंग्स ये मैच बिल्कुल वन साइडेड रहा, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कराची किंग्स की टीम कोई मैच हारेगी नहीं और लाहौर की टीम को मैच जीतेगी नहीं, तो कराची किंग्स की टीम मैच यानी कराची किंग्स का टेम्पो टूट गया। सर एक चीज यहाँ ये पूछना चाहूंगा कि कुछ डेज पहले भी एक प्रोग्राम में आपने ये चीज तस्करा की थी कि वही 200 अबव टारगेट देखने को नहीं मिल रहा है, 200 से ज्यादा रन किसी टीम ने नहीं बनाए, किसी बैट्समैन ने अभी तक सेंचुरी स्कोर नहीं की है। ये बिल्कुल, ये मैं भी नोट कर रहा हूँ, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपके जहन में ये सारी बातें मौजूद हैं। अब आफरीदी अनफिट हो गया, इसका नुकसान कराची किंग्स को हुआ जाएगा, अब वो मजीद 5-6 दिन वो अनफिट रहेगा, उसके बाद शायद वो खेलने के काबिल हो जाए। अच्छा, डेरन सैमी अनफिट हुआ, रोमान रईस अनफिट हुआ, ठीक, ये तीनों की प्लेयर्स हैं। रोमान रईस इस्लामाबाद यूनाइटेड का वाइस कैप्टन भी और की बॉलर है उनका, और आफरीदी जो है वो विकेटें तो ले रहा है, रन्स नहीं कर रहा, लेकिन वो विद द बॉल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। डेरन सैमी हर तरह से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अब ये प्लेयर्स भी जो है ये अनफिट हो गए, तो वंस अगेन अब आज का मैच है, इसमें देखना डेरन सैमी होते हैं। सर बस अपने प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहे हैं, एक चीज बस पूछना चाहूंगा कि एक्सक्लूडिंग ये कि जी पाकिस्तान में पीएसएल नहीं हो रहा, बाहर ये तो होना चाहिए था जो हम लोग चाह रहे थे, इसके अलावा आपको कोई ऐसी चीज फील हो रही है कि पीएसएल में ये चीज होनी चाहिए थी तो और थोड़ा एंथुजियास्टिक हमें मालूम होता? देखिए, जो फॉरेन के प्लेयर्स हैं, बहुत से प्लेयर्स के नाम हमारे पास अब भी मौजूद हैं, उसमें बहुत से प्लेयर्स मिसिंग हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को एडिशन नंबर 3 में ज्वाइन नहीं किया, जिसमें रॉय भी है, हेज भी है, मॉर्गन भी है, मैथ्यूज भी है, शिकेबुल हसन भी है, ब्रैथवेट भी है, और भी बहुत से प्लेयर्स हैं। ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, नो डाउट, ये वन मैन आर्मी प्लेयर्स हैं, लेकिन इन्होंने डिफरेंट फ्रेंचाइज से रबते थे, उनसे रबते में रहे, लेकिन ये इस पीएसएल के एडिशन नंबर 3 में एक्शन में दिखाई नहीं दिए। आपको मैक्सिमम पाकिस्तानी प्लेयर्स मिलेंगे या वेस्ट इंडियन प्लेयर्स मिलेंगे, हाँ एक दो ऑस्ट्रेलियंस हैं, एक दो इंग्लिश प्लेयर्स हैं या साउथ अफ्रीकन हैं, दैट्स ऑल। तो मैं ये समझता हूँ, हाँ बांग्लादेश के भी प्लेयर्स हैं, तो लेकिन मैक्सिमम जो है वो पाकिस्तानी हैं और वेस्ट इंडियन प्लेयर्स जो हैं ये लीग में, उनकी पार्टिसिपेशन मैं देख रहा हूँ। आपने बड़ा की क्वेश्चन किया है कि जो क्राउड पुलर होते हैं ना, अब जिस तरह एबी डिविलियर्स किसी टीम में आ जाए,
तो वो बहुत बड़ा क्राउड पुलर होगा। विराट कोहली किसी टीम में आ जाए, मैं एक बात कर रहा हूँ, पीएसएल में वो नहीं आएगा क्योंकि उनके बोर्ड उनको परमिशन नहीं देता, तो वहां पे जो पॉलिटिक्स है वो सबको मालूम है, बोर्ड कुछ चाहता है, प्लेयर्स कुछ चाहते हैं, उनकी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है वो कुछ चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो बड़े नाम है, अब जिस तरह आफरीदी है, ये किसी भी टीम में चला जाए तो टीम का मोरल ऐसे हाई हो जाता है, और क्राउड पुलर भी है ये, आफरीदी, तमीम इकबाल है, ये सारे हफीज है, ये बड़े नाम है, इरफान है, इमरान ताहिर है, ये बड़े नाम है, और इमरान ताहिर तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका का बहुत अच्छा प्लेयर है, प्लैटिनम कैटेगरी में, इसको हमारे क्रिकेट बोर्ड ने तो रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब वर्थ मालूम, अब उनको मालूम हुआ है कि ये जो बच्चा, ये जो प्लेयर जब यंग था, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे पर ये बैठा रहता था कि मुझे चांस दो, मुझे चांस दो, इसको चांस नहीं मिलता था, ये साउथ अफ्रीका गया, वहां सेटल हुआ, और उसके बाद उसने साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट किया, वर्ल्ड क्लास ये बॉलर बन गया। सही नाज़रीन, ये हमारे कुछ पीएसएल के टॉपिक्स थे, उम्मीद करते हैं कि इससे आप काफ़ी अपडेट हुए होंगे रिगार्डिंग पीएसएल सिनेरियोज़। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें, पाकिस्तान को पीएसएल में भरपूर सपोर्ट करें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ नासिर। For the left hand.